ट्रीट किया जाता है। बेसिकली बाहर अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पे किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े सीईओज देख लें, डिफरेंट देख लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे लिए। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पर फाइज किया हुआ, उन्होंने इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो माइनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। लाइक वो वुमेन्स को आगे प्रमोट करते हैं और यही चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहाँ से देंगे? पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन भारतीय लोगों को बहुत प्यार करते हैं, हमने ऑब्जर्व किया 40 दिनों में। पासपोर्ट आप बाद में बताएं, प्रेस लिखा हुआ बाद में बताएं, अगर आपने भारत बोल दिया तो वही आपका पहला पासपोर्ट है। दोस्तों, हमारे देश ने कितनी तरक्की की है इसका अंदाजा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोई भारतीय इंडियन पासपोर्ट लेकर विदेश जाता है तब उसे मामूली चेकिंग करके उनके देश में प्रवेश दिया जाता है। इतना ही नहीं, काफी देशों ने तो इंडियंस के लिए वीजा फ्री कर दिया है। इसके विपरीत हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों को कड़ी परेशानी का सामना पड़ता है। जब कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में घूमने फिरने या फिर पढ़ाई करने जाता है तब उस व्यक्ति की घंटों तक काफी भारी चेकिंग की जाती है। पाकिस्तानी आदमी हो या औरत, दोनों की काफी भारी चेकिंग होती है। किसी किसी की तो पूरे कपड़े उतार कर पूछताछ और चेकिंग की जाती है, फिर भी पाकिस्तान अपनी हेकड़ी दिखाते रहता है। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा की जाती है? इंडियन मानदारी पे उसके, अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग इंडियंस। हाँ, मलवाई इंडियन, मलवारी, हाँ, पाकिस्तान को नो लाइक। हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वजीर खजाना साहब हैं, वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे ले आए। इसलिए तो जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद। बहुत अच्छा दिल दे के, दिल वाले लोग होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दिल वाले लोग होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तमीज वो लोग का अच्छा, यहाँ पर काम भी करते हैं, यहाँ पर बहुत भारत लोग, इसलिए भारत देसी वाला आदमी लोग को बहुत पसंद करता है इसराइल में। हार्ड वर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं, उनकी बस हो जाती है ये, तो वो इतना जो है ना हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि घर वाले कहते नहीं बस ठीक है तो ठीक है बस। फीमेल्स को तो पढ़ाया यहाँ पे इसलिए जाता है कि कल को अच्छा रिश्ता आ जाए, नो रीजन अदर देन दैट। जी बिल्कुल, यही चीज जो वो बोल रहे होते हैं कि पीएम मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं है, पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम क्या कहेंगे, हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इनको पाकिस्तान का इतना ख्याल है जो इन्होंने इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, जो इनके बाहर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये पाकिस्तान का एक लेवल मेंटेन करना चाहते हैं, उन सबको बेचे ना, हमें भी आइडिया हो कि चलो यार इनको यार लंदन का एक घर बेच दें, आधा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन वो कौन बेचे, हमारी औकात ही क्या उनके सामने, वो अपनी आवाम को उस लेवल पर देखना ही नहीं चाहते। तो इन लोगों से किसी भी किस्म की उम्मीद लगाना फजूल है, ये लोग शुरू से अपने लिए कमा रहे थे।